नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेके स्टूडेंट पॉइंट अपडेट्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे एक गुड न्यूज़ के बारे में। आप लोगों को बता दें कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने एक गुड न्यूज़ जारी की है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा काफ़ी सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जिसमें स्कॉलरशिप्स वगैरह स्पेशल, उसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स की जा रही है, जो कि आप लोगों के जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दें कि एक और नोटिस जारी किया है, पब्लिक नोटिस, जो सभी पब्लिक यानी किसी भी आम इंसान के लिए, आम आदमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। आप लोगों को बता दें कि अपने जम्मू कश्मीर के लोकल चैनल, जिसमें स्कूल कॉलेज और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल जानकारी के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर फालतू व्यूज़ के लिए वीडियोज़ नहीं आता है। इस वीडियो की बात करें पब्लिक नोटिस की, द गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल 5 डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ग्रीवेंस ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, द टेलीफोन लाइन कैन बी रीच्ड ऑन ऑल वर्किंग डे बिटवीन 10 AM टू 5 PM अकॉर्डिंग टू जनरल पब्लिक हैव बीन इन्फॉर्म्ड टू रजिस्टर देयर जेन्युइन डिमांड्स ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन लाइन नंबर। आप लोगों को बता दें कि जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुछ टेलीफोन नंबर जारी किए हैं, जिसमें आप लोग अपनी जनरल शिकायत कर सकते हैं, जो कि आप सीधी गवर्नमेंट के पास जाएगी। आप लोग इस मोबाइल नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं। कोई आपके घर में या कहीं भी कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आप लोग जहां पर सॉल्व करवा सकते हैं इन नंबरों पर कॉल कर। आप लोगों की शिकायत सुनी जाएगी, अदरवाइज आप लोगों को बता दें कि आम आदमी की कोई भी नहीं सुनता था, बट अभी आप कॉल कर यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें इसी तरह का सिस्टम जो है वो यूपी में योगी सरकार ने चलाया था, और इसी तरह का सिस्टम अभी जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है, एक अच्छी राहत की बात है। और साथ में आप लोगों को बता दें कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट के डीसी ने भी एक बढ़िया काम किया था, जिसमें उन्होंने करेक्टर कास्ट ओबीसी आरबीए इनकम सर्टिफिकेट वगैरह सभी ऑनलाइन कर दिया है। और हम बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी अपील करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट के डीसी भी इसी तरह का सिस्टम, इस तरह का कोई ऑनलाइन पोर्टल जारी करे, जिसमें वो अपने घर बैठे ही इनकम सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, या तो उसके साथ साथ आप लोगों को बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो भी सिस्टम था, कोई भी डॉक्यूमेंट छोटे मोटे जो आप लोगों को तहसील में जाना पड़ता है चक्कर काटने, तहसील वाले भी पैसे खाते हैं, तो उससे बेटर कि ऑनलाइन पोर्टल ही जारी किया जाए, जिससे आप लोगों का खर्चा बचे और आप लोगों का टाइम भी बचे। बट ये एक अच्छी खबर है, एक अच्छा काम किया है। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से एक और अपील करते हैं कि थोड़ी सी और गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड थोड़ी बहुत वैकेंसी जारी कर दें, जिसमें टीचर की वैकेंसी काफ़ी देर से नहीं आई। और हम आप लोगों को बता दें कि 2015 से मैं देख रहा हूँ, अभी तक कभी हमें मुझे भी टीचर की वैकेंसी देखने को नहीं मिली। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और साथ में कुछ बेल्ट फोर्स की भी एक दो रैली हो जाए तो बच्चों का थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है वो सेट रह जाता है। ऑल द बेस्ट, देखते हैं क्या आने वाले समय क्या नोटिस क्या अपडेट्स आती है, आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।